जय श्री कृष्णा दोस्तों, तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही इजी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया है। अब इनको हम कद्दूकस कर लेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है जो बच्चों को भी और बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। तो सभी आलू कद्दूकस कर लिए हैं। इसमें 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच मैंने इसमें सूजी डाली है और थोड़ा हल्दी पाउडर डाला है। लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। जीरा डाला है, हींग डाली है, थोड़ी कसा हुआ अदरक डाला है और स्वाद अनुसार नमक डाला है और थोड़ा डाला है चाट मसाला। अब इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए, अब इसके छोटे छोटे रोल बना के हमें बीच में इसमें होल करना है जिससे हमारे पटैटो रिंग्स बन सकें। तो हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो सभी हम पटैटो रिंग्स इसमें डालेंगे और बस तल देंगे। देखिए फ्रेंड, लाइट ब्राउन हो गए हैं। बस उनको अच्छे से पलटते रहेंगे। और आपके घर में अगर बच्चे हैं तो ज़रूर बनाइए, एक बारी ज़रूर बना के देखिए, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये। और बस इन्हें हम निकाल लेंगे। और इसमें हम अब दूसरा बैच भी डाल देंगे। बस सभी को तल लेंगे। बहुत ही सिंपल, इजी और फास्ट बनने वाली रेसिपी है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें। अब ये भी फ्राई हो चुके हैं, अब इनको पलटेंगे हम। अब इसको ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए जो हमने सबसे पहले बैच निकाला था उसको हम दोबारा डाल देंगे जिससे ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। कोई भी पकौड़ी बनाते हैं आपको, पकौड़ा बनाते हैं किसी भी तरीके का, गोभी का, आलू का, ये जो भी, उसको अगर आप दोबारा तलते हैं ना, फ्राई करते हैं दोबारा, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत क्रिस्पी लगते हैं। तो मैंने इसीलिए इसको डबल फ्राई किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये बन करके तैयार हो गए हैं। बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।